सांगी जनपद का पारंपरिक जुकारू उत्सव रविवार को मुख्यालय स्थित नैयर पैलेस में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय में रहने वाले पांगी के बुजुर्गों व युवाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर जुकारू उत्सव की खुशियां बांटी। इस दौरान पांगी के कॉलेज छात्रों ने पंगवाली लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उत्सव की खुशियों को दोगुना कर दिया। उन्होंने पांगी रे देशा जुकारू उत्सव खानी पीणी मौज मनानी सहित अन्य गीतों पर बेहतरीन नृत्य पेश किए। जुकारू उत्सव में दोपहर बाद सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन भी किया गया। पांगी कल्याण सभा के प्रधान भगत बडोत्रा ने बताया कि घाटी के लोग लंबे समय से उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई थी। पांगी में लगातार एक महीने तक इस उत्सव की धूम रहती है। इस उत्सव की मुख्य विशेषता ये है कि पांगी घाटी के लोग जिला के किसी भी स्थान पर रहते हों वहाँ मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। इस मौके पर पांगी कल्याण संघ के महासचिव बीआर भारद्वाज, लेखराज ठाकुर, मीडिया प्रभारी मान सिंह, जीत सिंह ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर व संघ के सदस्यों सहित काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। जो आज ये जुकारू उत्सव मनाया जा रहा है वो किस के लिए मनाया जाता है? हेलो, तो मेरा नाम कविता है और अभी मैं करंटली MBBS कर रही हूँ टांडा से। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जुकारू मेला को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारा जो जुकारू मेला होता है लगभग यहाँ पर 12 दिन तक मनाया जाता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह से इसको मना रहे हैं। तो इसके मनाने के पीछे एक कथा प्रचलित है कि राजा बलि ने भगवान विष्णु को वामन रूप अवतार में दे दिया था और तीनों लोग दान में दे दिए थे। तो उसकी उस प्रचलित कथा के अनुसार हम जुकारू मेला को मनाते हैं। और जुकारू का जो स्पेसिफिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि बड़ों का सम्मान करना। तो एक गेट टुगेदर होता है जहाँ पर आपके बड़े लोग आते हैं, आप सब आते हो और एक दूसरे के गले मिलते हैं। आज के दिन सारे मन मुटाव को भुला कर सभी प्रेम और भ्रातृत्व के जो भावना होती है उसको प्रमोट किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हमारे पांगी के लोग हैं तो वो इस जो जुकारू मेला है इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आज चंबा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो मुझे भी टाइम मिला था तो आज मैं भी यहाँ पर पहुँची हूँ विद माई होल फैमिली। तो हम सभी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ अबाउट जुकारू। थैंक यू सो मच। घाटी का प्रसिद्ध जुकारू उत्सव के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सर्दियों में मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है, मान्यता ही नहीं, हम लोग जब मिलने जाते हैं एक दूसरे से तो पहला हमारा जो शब्द है वो कहते हैं कि क्या शुभ जी, यानी कि सब कुछ कुशल तो है। उसके बाद जब गले मिलते हैं तो कहते हैं तकड़ा आसाना। इससे स्पष्ट होता है कि उस ज़माने में भारी हिमपात होता था, लोग दूर दूर रहते थे, आना जाना मुश्किल था, नदी नाले ग्लेशियर। तो उसके बाद जब हम मिलते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं। इसी के साथ साथ जो पर्व जो है ये 12 दिनों तक चलता रहता है। लोग जो है अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, खासकर जो हमारी बेटियां हैं जो अपने ससुराल जाती हैं उनका इसमें बड़ा विशेष महत्व है। अपने मायके में आती हैं, उनका जो है वो उनका आदर सत्कार होता है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। तो इस तरह जो है ये पर्व पूरे 12 दिनों तक 15 दिनों तक मनाया जाता है। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।